बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। हलीमा किचन में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी। इसके लिए हमें 3 कटोरी बेसन लेना है। सबसे पहले बेसन छान लीजिए। याद रखिए, आपके घर में दही या बेसन की कढ़ी बनाना हो या फिर बेसन की कोई भी रेसिपी बनाना हो, सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसन छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसका दर दरा ये देखिए, ये सेपरेट कर लेना है। बेसन अच्छे से छान के तैयार है। मीठा सोडा ऐड कर लेना है 1 पिंच, बिल्कुल थोड़ा सा सोडा ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेना है। बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से बैटर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। थोड़ा सा बेसन हमें एक बाउल में सेपरेट कर लेना है। रेड फूड कलर ऐड कर लीजिए। बूंदी में कलर के लिए हमें रेड फूड कलर ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर लेना है। और हमें यहाँ पर ये जो सेपरेट करके रखे हैं बेसन, इसमें भी हमें ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरे कुकिंग के वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिए। नेबर्स में, रिलेटिव्स में फॉलो करिए मेरे कुकिंग के चैनल्स को। यहाँ पर भगोने में शक्कर ऐड कर लेना है। 2.5 कटोरी शक्कर ऐड कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी बूंदी बनके तैयार होगी। इसी कटोरी से हमें 3 कटोरी बेसन लेना है। भगोने में पानी ऐड कर लीजिए 2 कटोरी। हाई फ्लेम पे शुगर सिरप बना लेना है। से शुगर सिरप तैयार कर लेना है। 1 तार का शुगर सिरप हमें तैयार करना है। हिलाते रहिए, शुगर सिरप में हर थोड़ी देर से हिलाना है आपको। कढ़ाई में तेल ऐड कर लीजिए। ये खट्टे की छन्नी है जिससे हमें बूंदी बनाना है। छन्नी में बेसन ऐड कर लीजिए। ये देखिए, बूंदी अपने आप ही तेल में ऐड हो रही है। टिप टिप टिप, टप टप टप। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए, मोतियों जैसी बूंदी बनके तैयार हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये क्रिस्पी क्रिस्पी है अभी बूंदी, लेकिन जब ये शुगर सिरप में जाएगी तो सॉफ्टी सॉफ्टी बन जाएगी। इसी तरह से हमें सारी बूंदी बना के तैयार करना है। बस कुछ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से टैप करना है। बूंदी अपने आप ही तेल में चले जाएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन भी दबाइए, आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
ये देखिए ये बूंदी बनके तैयार है। और अब हमें यहाँ पर ग्रीन बूंदी बनके बना के तैयार करना है। ये देखिए ये ग्रीन बूंदी भी बन के तैयार हो रही है। आप चाहे तो कबगीर से भी बूंदी बना सकते हैं, जैसे कि स्टील की कबीर होती है ना, उससे भी आप बूंदी बना सकते हैं। यहाँ पर ये बूंदी फ्राई होके तैयार है। तकरीबन ये शुगर सिरप भी बनके तैयार है। एक तार का शुगर सिरप हमें बनाना है। यहाँ पर देखिए एक तार का शुगर सिरप बनके तैयार है। बूंदी ऐड कर लीजिए। ट्राई करिए, कमेंट्स में बताइए मीठी बूंदी की रेसिपी कैसी लगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक से दो मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे पका लेना है। बूंदी में शुगर सिरप अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। कद्दू की खीर, कद्दू का हलवा, बासमती राइस की चावल की खीर, आप बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। फ्लेम ऑफ कर लीजिए। खरबूजे के बीज ऐड करना है। रूम टेम्परेचर पे बूंदी आने देना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडे के लिए रख लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। रसीली बूंदी बनके तैयार है। मेरे YouTube की फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, आपको हलीमा किचन में टेस्ट करने के लिए नहीं आना है, हलीमा के घर में टेस्ट करने के लिए नहीं आना है। यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए सर घर में हर महीने की 11 तारीख को फातह होती है। आप चाहे तो मीठी बूंदी बना के स्टोर भी करके रख सकते। जब भी फातह दिलाना हो बूंदी निकाल लीजिए, फातह दिला दीजिए। यहाँ पर बूंदी बनके तैयार है। रोज पेटल से हमें गार्निशिंग करना है। मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, वेलकम। ये मेरे घर की टेरिस है। मैं आ गई हूँ मेरे घर की टेरिस पे। आज मैं टेस्ट करने वाली नहीं हूँ, मेरे घर के बच्चे टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ टेस्ट करवा रही हूँ। पहली बहुत ही अच्छी बूंदी बनी हलीमा किचन से आज। और हलीमा किचन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आने वाली रेसिपी जरूर मिलेगी आपको। जज़ाकअल्लाह, बाय। और यहाँ पर ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ आयशा, हाजरा, मैं इनको भी टेस्ट करवा रही हूँ। टेस्टी, लाइक करिए, हलीमा किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये मेरे घर की टेरिस है। ये मेरे घर की फेवरेट प्लेस है। जब भी असर के मगरिब के दरमियान मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो असर के मगरिब के दरमियान यहाँ पर बैठ के ज़िक्र तिलावत करती हूँ।
आप सभी को भी जिक्र करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहना है हमें। ये मेरे और मेरे हबी की फेवरेट प्लेस है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब के अल्लाह पाक हाजात को पूरे कर, हम सारी आवाम की दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। चलती हूँ दुआओं में, याद रखना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।